हे हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लवी नवी। और मैं हूं आपकी दोस्त संध्या के सिंह। और आज मैं अपने इस एपिसोड में, एपिसोड कहो या फिर अपने ब्लॉग में जो कि फैशन ब्लॉग है, उसमें मैं बनाना चाहती हूं इसका कुछ अलग। आप देख रहे हो मेरा ये सूट, अगर आप ढंग से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सोने जा रही हूँ, नाइट वेयर टाइप का है ना। पर इस पे जो ये प्रिंट है ना, गोल्डन और शाइनिंग जो है, वो मुझे थोड़ा पार्टी वेयर का वाइब्स देता है। तो हम पजामा पार्टी में तो मैं नहीं जा रही, पर मैं चाह रही हूँ कि इसका कुछ ऐसा करूँ कि जिसको मैं बाहर भी यूज़ करूँ तो लगे बहुत, मतलब पार्टी वेयर काइंड ऑफ, क्योंकि ऐसे डेली घर में तो इसको नहीं पहन सकती। तो फाइनली मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करूँ। और अभी आप मेरा लुक देख रहे हो ना, कैसा लग रहा है आपको? मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इसका मेकओवर करूँगी तो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है लाइक हुडी हो या फिर ऐसी लूज़ टी शर्ट हो, तो आप उसको कट करके अगर आप बोर हो गए हो तो कुछ और बना सकते हो जिसको आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, या जींस, डेनिम या किसी चीज़ पर भी पहन सकते हो, मेरा मतलब ये है। और इसको बनाना बहुत ईजी है। अगर आप इसका लुक चेंज करना चाहते हो तो वो भी बहुत टफ़ नहीं है, बहुत ईजी है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा, जो ज़रूरी है वो मैं बताती हूँ, थ्रेड। जिस कलर का आपका आउटफिट है वैसा थ्रेड चाहिए। तो मेरा ब्लैक है तो मैं ब्लैक थ्रेड ले रही हूँ। इसके साथ आपको चाहिए नीडल। अगर आपके पास स्टिचिंग मशीन है तो नीडल की ज़रूरत नहीं है, पर अगर नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ चाहिए, इसको क्या बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ये पिंस होते हैं ना, मैं इसको पिन बोलती हूँ, ये पिन चाहिए होता है। इससे ना थोड़ा स्टिचिंग करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए ये नहीं है तो आप ले सकते हैं। इसके साथ मुझे चाहिए होगा एक मेजरिंग टेप, जो कि बहुत ज़रूरी है। विदाउट मेजरमेंट आप कुछ नहीं बना पाओगे। और एक सीज़र, और प्लस जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ वो होता है चौक। तो चौक भी चाहिए होता है, क्योंकि आप मेजरमेंट करते हो उसके हिसाब से लाइन्स हम डालते हैं तो कट करने में ईजी होता है। तो मेरे पास चौक है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो, या तो कर सकते हैं आप स्काई ब्लू कलर का चौक ले सकते हैं, या वाइट कलर का जो सब पे चलता है, पर वाइट पे वाइट नहीं चला सकते हैं। इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस कलर का आपका फैब्रिक है उस कलर का आपको चौक नहीं लेना है। तो आइए मैं देखती हूँ क्या मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं इसको क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। इसको देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं क्या होता है। आ जाओ। तो मैं पहले मेज़र कर रही हूँ कि मुझे लेंथ क्या चाहिए, क्योंकि ये बहुत लूज़ हो रहा है मेरे को, मुझे थोड़ा क्रॉप करना है इसे। तो मुझे चाहिए टिल हेयर, मतलब 13 इंचेस में ले रही हूँ। इसको आप ऐसे मेज़र कर लो शोल्डर से, मतलब यहाँ तक आएगा मेरा। आप ऐसे मेजरिंग टेप से आपको जितनी भी लेंथ चाहिए वहाँ पे निशान लगा लो। मैं यहाँ पे दो जगह पे निशान लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हो इसको। अब क्या करना है, इन दोनों निशान्स को मिला लो। फिर भी आपको टफ़ लगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे फोल्ड कर लो। फोल्ड करके ये दोनों आर्म्स को इक्वल करते हैं, आप ये देख रहे हो। अब ये जो हमारा निशान है वो यहाँ पे आ गया है, तो इसको हमें कट करने में इजी होगा। एक चीज़ और, अगर आप 13 इंचेस जैसे मुझे चाहिए, मैंने ये मेज़र किया है, पर हम फोल्ड करते हैं तो फैब्रिक का ये ध्यान देना, ये फैब्रिक ऐसा है कि वो निकलेगा नहीं, मतलब इसके धागे नहीं आगे आएंगे, तो इसलिए मैं बस वन फोल्ड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करना है, डबल करना है, तो आपको फैब्रिक हाफ इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा, पर मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको कट कर रही हूँ। अब ये कटिंग कर ली है मैंने, मुझे बस इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, आप इसको ऐसे रखो। मैंने आपको बताया ना, ये थ्रेड बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है। तो मैं सिंगल फोल्ड कर रही हूँ ऐसा सिर्फ,
या आप चाहो तो ऐसे डबल भी कर सकते हो, चलो डबल कर लेते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी फिनिशिंग देती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये मैंने काटा है। और ये पिंस ऐसे लगाते हैं, देख रहे हो इस तरीके से पूरे में हम पहले पिंस लगा लेंगे। मैं पिंस लगा रही हूँ, अगर आपको पिंस की ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसे भी डायरेक्टली स्टिच कर सकते हैं, पर पिंस लगाने से क्या होता है ना, इजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप फ्रंट एंड बैक साइड पे पिंस लगा लें। आप ये देख रहे हो, अब इसको करते हैं स्टिच। आप हाथ से भी कर सकते हैं पर मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन से करती हूँ। डन। टन टन। तो हो गए शॉर्ट, आप देख सकते हो। आप इसको मैं या तो मैं स्कर्ट पे पहनूँ या जिम वेयर में पहनूँ या मैं एक्सरसाइज करते हुए पहन सकती हूँ या फिर मैं पार्टी के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये कि थोड़ा ज़्यादा लूज़ है, तो इसके लिए भी कुछ है ट्रिक्स जो आप कर सकते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, एक में सब बताना ज़रूरी नहीं होता। ओह शिट, मैं आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गई। अब जो मैंने कट किया था वो है ये कपड़ा, ये वेस्ट कर दूँ? नहीं यार, आपको पता है ना फैब्रिक इतने एक्सपेंसिव होते हैं, हम उसको ऐसे कैसे वेस्ट कर दें। तो इसका मैं सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ, पर क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पिक्चर सेंड करें या बताएं कि इसका मैं क्या कर सकती हूँ। आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा फैब्रिक है, पर कुछ तो कर सकते हैं। मेरे दिमाग में तो कुछ कुछ अब आ रहा है, पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं इसका क्या करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें। बाय बाय यार।